हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेज न्यू वीडियो। सो आज का डेट है 13th of June एंड करेंटली टाइम इज 12:35 PM। सो आज के दिन आप सभी के साथ मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर इस रेंज को शेयर किया गया था। सो इसे ऑलरेडी अभी 9,800 पीपल वॉच कर चुके हैं। सो दिस रेंज वॉज शेयर्ड विथ यू इन द मॉर्निंग। सो इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हमने ओपनिंग प्राइस पर आज के दिन मार्क किया था एंड एक सपोर्ट लेवल आप सभी के साथ शेयर किया गया था विच वॉज ऑन टू द फर्स्ट स्विंग लो। सो फर्स्ट स्विंग लो के सपोर्ट एक्टिविटी के बेसिस पर मार्किंग को किया गया था। सो अगेन यहाँ पर मैं फ्यूचर्स के चार्ट पर इसको ड्रॉ करूँगा। सो ओपन प्राइस आज अ रेजिस्टेंस लेवल एंड लोएस्ट आज का पहला स्विंग लो पर यहाँ पर सपोर्ट मार्किंग को किया गया था। सो एज वी कैन सी कि निफ्टी आज के दिन जो पर्टिकुलर मोमेंटम है कि निफ्टी इज वीक टुडे, कि आज के दिन मार्केट ने एक हैवी गैप डाउन किया ऑफ मोर देन अराउंड 300 पॉइंट्स एंड गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग साइड का मोमेंटम किया है एंड इस सेलिंग साइड के मोमेंटम के बाद आफ्टर दिस रेंज क्रिएशन अगर आप प्राइस का बिहेवियर यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी यहां पर क्लियरली वीक है कि मार्केट में बायर मॉर्निंग में फर्स्ट पॉइंट से आया, बायर ट्राइड टू पुश द मार्केट अप बट बायर वॉज अनसक्सेसफुल इन पुशिंग द मार्केट अगेन ऑन टू द हायर लेवल्स ऑफ द रेंज। सो आज के दिन देखेंगे तो बायर्स का कंटिन्यूस मोमेंटम या बिहेवियर है दैट बायर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट अप बट अल्टीमेटली यहाँ से अगेन अब लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गया है जिसके बेसिस पर अगेन मार्केट इज टेस्टिंग नाउ द सेम सपोर्ट लेवल। सो सेम सपोर्ट का देखेंगे तो ह्यूज एक बड़ा मोमेंटम वाला रेड कैंडल क्रिएट हुआ है जिसने अभी अभी सपोर्ट्स को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। चलिए सो लॉजिक्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेसिस पर शॉर्टिंग को बनाया गया। तो शॉर्टिंग सिंपली वीकनेस को ऑब्जर्व करते हुए कि निफ्टी का आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वीक बिहेवियर है एंड मार्केट इज इन अ कंटिन्यूस सेलिंग ट्रेंड, इसलिए बाइंग साइड का पोजिशन हमने यहाँ पर अवॉइड किया है एंड बाइंग साइड के लिए मार्केट का आज सच कोई भी कन्फर्मेशन भी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। सो आई ऑलवेज से कि मेरा एंट्री तो रेंज में होता है बट रेंज का एंट्री किस साइड लिया जा रहा है इसका एक आइडिया आप रेंज का ऑब्जर्वेशन से लगा सकते हैं कि मार्केट आज के दिन कंटिन्यूस लोअर लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स मार्केट इज इन टुडेज डेट मार्केट हमारा आज के दिन वीक है, नीचे की तरफ मार्केट का रुझान यहाँ पर ज़्यादा है। सो इसी बेसिस पर एक शॉर्टिंग पोजिशन लिया गया है इन 15,800 पुट ऑप्शन। सो 15,800 का पुट ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया है। सो एंट्री लाइन को यहाँ पर मैं एक ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करूंगा 302.73। सो एंट्री लाइन को यहाँ पर हमने मार्क किया है। इस पर्टिकुलर प्राइस पर रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर एंट्री को हमने क्रिएट किया है। सो आज के दिन जो हमारा एसएल होगा कि आज का ट्रेड समवॉट अराउंड 25,000 to 30,000 के रिस्क के साथ लिया गया है तो 2400 क्वांटिटीज मीन्स अराउंड 12 पॉइंट का एसएल आज के दिन हम रख सकते हैं। चलिए सो ये आज का हमारा एसएल होगा समवॉट अराउंड एट दीज एरिया एंड मिनिमम 1:3 को आज के दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड मैक्सिमम 1:4 का टारगेट हम सेट करेंगे। सो करेंट पीएनएल देखेंगे तो इट्स रनिंग इन पॉजिटिव ऑफ अराउंड 5,000 रुपीज। सो दिस इज द इंडेक्स चार्ट। तो करेंटली अगर बिहेवियर को यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ने अगेन यहाँ पर इस बाइंग मोमेंटम के लोस को ब्रेक किया, आई वॉज लुकिंग फॉर द एंट्री इन टू द मार्केट्स ऑन टू द सेलिंग साइड, कि जैसे ही बायर्स फेल हुआ अगेन पुशिंग द प्राइस ऑन टू द बाइंग साइड, ये स्विंग लोज यहाँ पर ब्रेक हुआ। सो इसी के बेसिस पर फिर यहाँ कहीं पोजीशन को बनाया गया। चलिए सो मार्केट हैज अगेन ब्रेक द सपोर्ट लेवल एज एक्सपेक्टेड एंड जो आगे भी यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि ये एक जनरल पुलबैक होना चाहिए एंड अगेन मार्केट विल बी कंटिन्यूइंग इट्स ट्रेंड ऑन टू द सेलिंग साइड। सो निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि इतना ये प्राइस एक्शन यहाँ पर क्यों हो रहा है, बिकॉज मार्केट इज ऑन टू अ मेजर सपोर्ट लेवल। निफ्टी के चार्ट को अगर जूम आउट किया जाएगा तो आप इसे देखेंगे, जैसे मैं स्पॉट का चार्ट अगर यहाँ पर ओपन करूँ, सो वी कैन सी ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम कि निफ्टी अपने एक काफ़ी ज़्यादा मेजर सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। सो अगर मार्केट्स यहाँ से इस सपोर्ट को आज के दिन ब्रेक करता है तो द न्यू ट्रेंड ऑन टू द सेलिंग साइड
विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. चलिए, सो दिस इज द डेली चार्ट एंड ओके. सो जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को, सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए एंड सेलिंग मोमेंटम को आज के दिन वीकनेस, जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी वीक है इंडेक्स आज के दिन, तो नीचे की तरफ मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए. चलिए, सो वेट करेंगे एंड आगे जो भी मार्केट का बिहेवियर होता है मैं आप सभी को अपडेट करूँगा. ओके ओके ट्रेडर, सो करेंटली टाइम इज 1:05 PM एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मार्केट ने फाइनली एक रिजेक्शन एंड कन्फर्मेशन ब्रेकडाउन ऑन टू द डाउन साइड यहाँ पर क्रिएट कर दिया है. सो विद द वॉल्यूम कन्फर्मेशन की वॉल्यूम्स भी यहाँ से अब आना स्टार्ट हो गया है. सो मार्केट का ब्रेकडाउन ऑन टू द मेजर टाइम फ्रेम यहाँ से अब कन्फर्म हो चुका है. सो आवर PNL हैज ऑल्सो इंक्रीज टू समवॉट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 50,000 rupees. सो जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है एंड अगर ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो समवॉट अराउंड 1:2 अभी मार्केट ने अचीव किया है एंड वी विल बी वेटिंग फॉर 1:4 टारगेट इन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड. सो समवॉट अराउंड 1 lakh rupees के टारगेट्स को आज के दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे. चलिए, सो वेट करेंगे एंड मार्केट जैसा भी यहाँ से परफॉर्म करता है आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल. ओके ट्रेडर्स, सो करेंटली टाइम इज 1:48 PM एंड एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने सपोर्ट्स को ब्रेक किया एंड अगेन विथ अ रिट्रेसमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द सेम लेवल एज अ रेजिस्टेंस मार्केट अगेन कंटिन्यूसली स्टार्टेड टू सेल ऑफ. सो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का अपना मेजर सपोर्ट का ब्रेक यहाँ पर हो गया है एंड मार्केट अब मेजर टाइम फ्रेम पर भी सेलिंग ट्रेंड को यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. सो अगर स्पॉट का चार्ट अगर यहाँ पर हम देखेंगे सो वी कैन सी ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट मार्केट का यहाँ से अब ब्रेक हो गया है. चलिए, सो अगेन बैक ऑन टू द चार्ट्स. सो टारगेट लेवल्स भी देखेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है कि एक्सपेक्टेड 1:4 के टारगेट्स के अराउंड मार्केट्स यहाँ पर आ गया है. सो आज का ट्रेड रिस्क के साथ लिया गया था अराउंड 25,000 to 28,000 rupees. सो एक्सपेक्टेड टारगेट रेशियो आज के दिन 1 lakh rupees का एक्सपेक्टेड था. सो मार्केट ऑलरेडी 1,12,000 के करेंटली प्रॉफिट में चल रहा है. सो यहाँ पर हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे. सो यहाँ पर मैं एक एग्जिट ऑर्डर प्लेस करूँगा 1,800 क्वांटिटी पहले एग्जिट करेंगे. मार्केट इज मोर सेलिंग ऑफ ऑन टू द लोअर लेवल. सो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर सपोर्ट सस्टेन करता है तो आई विल प्लेस अ मार्केट ऑर्डर. चलिए, सो लेट्स वेट एंड सी हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, सो मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट तो यहां पर हम पोजीशंस को एग्जिट करेंगे. सो 1800 यहां पर मैंने एग्जिट कर दिया है. मोर 600 क्वांटिटी को यहां पर हम एग्जिट करेंगे 600 एट मार्केट प्राइस. ओके, सो पोजीशन आज के दिन हमारा यहां पर एग्जिट हो गया है. सो टुडे समवॉट अराउंड आज के दिन हमने बुक किया है 1,03,710 rupees. चलिए, सो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्म किया एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि गैप डाउन के बाद या तो मार्केट आज के दिन गैप को फिल करेगा या फिर लोअर साइड पर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा. सो जैसे कि मॉर्निंग से ही बिहेवियर था कि मार्केट वॉज वीक एंड लोअर लेवल्स पर ही अगेन एंड अगेन मार्केट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था. सो जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा आज के दिन सेल ऑफ होना चाहिए, बट जैसे कि हम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रेड को यहाँ पर बुक किया है. चलिए, सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. इसे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया गया था. सो अगेन एक स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा. सो मेक श्योर करिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे. So see you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.